प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी ड्यू। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी ड्यू में क्या होता है कि आप कहीं से कोई लोन ले रहे हैं, कहीं से कुछ उधार लिया और आप उसको आप कैश में उसकी पेमेंट नहीं कर सकते हैं। एक रेफ्रिजरेटर लिया, एसी लिया, आप नहीं पेमेंट करना चाहते हैं तो, लेकिन आप ये कह देते हैं कि भैया मेरा किस्त है ना अभी से ही बना दो, मैं अभी से ही किस्त देना शुरू कर दूंगा, अभी मैंने सामान लिया और अभी से ही किस्त ले लो मेरी, तो वो इंस्टॉलमेंट आपका अभी से जाने लग जाएगा। लेकिन वो जो इंस्टॉलमेंट आप पे करोगे उसमें आपका ब्याज भी आपका शामिल रहेगा। तो सवाल ये कि अगर उसमें से ब्याज हटा कर करके अगर आप ब्याज हटा दिया जाए तो वो कितने का आपको पड़ता, वो समझ में आया बच्चे? हम प्रेजेंट वैल्यू जो हमने पीछे पढ़ा था उसी से लिंक है, बट यहाँ पे फर्क कितना है, स्टार्टिंग से इंस्टॉलमेंट दोगे। जनरली ऐसा होता है कि आप कहीं से मोबाइल लेकर आते हो तो अगले महीने से आपका इंस्टॉलमेंट जाना शुरू होता है, बट एनुटी ड्यू में क्या होगा, आपने लिया और अभी से इंस्टॉलमेंट बन गया आपका, अभी से पे करो। तो इसमें बस एक फॉर्मूला है, जो एन प्लस वन होता था वहाँ पर क्या हो जाएगा, एन माइनस वन हो जाएगा, और बाकी जो माइनस वन होता था वो प्लस वन हो जाएगा। बस एन में फर्क पड़ गया कि एन प्लस वन होता था, यहाँ पे एन माइनस वन हो जाएगा, और माइनस वन होता था प्लस वन हो जाएगा। और इसके लिए आप पी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनिटी, तो आपका इंस्टॉलमेंट ब्रैकेट वन प्लस आई रेज टू पावर एन माइनस वन प्लस वन अपॉन आई, ये फॉर्मूला आप यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। ठीक है बच्चे, चलिए जैसे क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दैट 6% कंपाउंडेड सेमी एनुअली, तो 6% आपके पास में सालाना है, एम निकाल लो पहले, 12 अपॉन में 6 मंथ में जा रहा है 2, एंड आई इक्वल्स टू 0.06 अपॉन 2 0.03 ऑफ एनुटी ड्यू 400 रुपीज पेबल सेमी एनुअली फॉर द 12 ईयर्स, एंड एन इक्वल्स टू क्या होता है एन टी, एम क्या है 2 एन टी क्या है 12, तो 24 हो गया। ठीक है, और आप इसका प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, तो प्रेजेंट वैल्यू के लिए क्या करेंगे आप, पी इक्वल्स टू एस आर ए आता है प्रेजेंट वैल्यू में, एन माइनस वन आई, तो पी इक्वल्स टू आर ब्रैकेट वन प्लस आई रेज़ टू पावर एन माइनस वन, एन माइनस वन तो रहेगा आपका अपॉन आई, एन प्लस वन एक अलग चीज आ गई, यहाँ फॉर्म में लिखा था मैंने माइनस वन नहीं। ठीक है, अब आगे आप सॉल्व करते हैं इसको। प्रेजेंट वैल्यू आर, आर क्या आपके पास में 400 रुपीज़, 400 रुपीज़ ब्रैकेट 1.03 एन माइनस वन, एन मतलब क्या है 24, तो 23 हो गया, माइनस वन अपॉन 0.03 एन प्लस वन, तो पी इक्वल्स टू 400 अपॉन 0.9161 अपॉन 0.03 प्लस वन, पी इक्वल्स टू 400 डिवाइडेड बाय 0.03 प्लस वन इंटू, कुछ गड़बड़ कर दिया हमने यहाँ पे फॉर्मूले में, गड़बड़ करा है हमने कुछ, इसमें हम अगर करते हैं, एक सेकंड वेट करें,
हेलो, एक प्रेजेंट वैल्यू के फॉर्मूले में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, उसको जरा समझिए। प्रेजेंट वैल्यू को पहले फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, आर ब्रैकेट वन माइनस वन प्लस आई रेस्ट टू पावर माइनस एन था ना, या रेस्ट टू पावर एन माइनस वन होगा, ठीक है। रेस्ट टू पावर क्या होगा, एन माइनस वन होगा, लेकिन माइनस में होगा क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू में पावर माइनस में रहता है, और अपॉन आई एंड यहाँ पे आपको हो जाएगा प्लस वन दिस वन। इस फॉर्मूले को आप ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनिटी ड्यू। ये क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर है तो आपके पास में प्रेजेंट वैल्यू आप निकाल रहे हैं, तो ए इक्वल्स टू एन माइनस वन और ये आई अप्लाई होगा, तो उसकी वैल्यू क्या अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, आर वन माइनस वन प्लस आई रेज टू पावर माइनस एन माइनस वन अपॉन आई एन प्लस वन दिस वन। एंड प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू आर आपका क्या है, 400 है, ब्रैकेट वन माइनस 1.03 रेज टू पावर माइनस 23 प्लस वन अपॉन 0.03। एंड प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू 400 ब्रैकेट वन माइनस वन अपॉन 1.03 रेज टू पावर 23 अपॉन 0.03 एन प्लस वन। एंड प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू 400 दिस वन वन माइनस, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1.03 इन टू एंड इक्वल्स टू, प्रेस करते जाओ जब तक 23 है तो 24 नहीं लिखा हुआ आज आपके कैलकुलेटर पे, तो 1 अपॉन 1.9735 अपॉन 0.03 प्लस वन एंड पी इक्वल्स टू 400 ब्रैकेट वन माइनस वन डिवाइडेड बाय 1.9735 0.50671 अपॉन 0.03 प्लस वन। ठीक है, वन माइनस 0.50671 डिवाइडेड बाय 16.44 एंड प्लस वन, पी इक्वल्स टू 400 एंड 17.44 एंड सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई बाय 400 तो आपके पास में आ गया 6577.2, ये आपका आंसर है। क्लियर है बच्चे, समझ में आया आपको? अ परचेसेस अ हाउस फ्रॉम बी एंड एग्रीज टू पे बी 20 एनुअल इंस्टॉलमेंट। तो एक आप घर खरीदते हो बी से और आप एग्री करते हो कि बी को 20 आप एनुअल इंस्टॉलमेंट पे करोगे, बी 20 एनुअल इंस्टॉलमेंट, हर साल एक इंस्टॉलमेंट, तो 20 आप पर 20,000 रुपये ईच, द फर्स्ट टू बी पेड इमिडिएटली उसी समय आप पे कर देते हैं। इफ मनी इज वर्थ 8% इफेक्टिव, व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैश प्राइस ऑफ दिस हाउस। जब किस्तों में दोगे तो महंगा पड़ेगा ना, कैश प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी ड्यू पूछ रहा है आपसे, कर लोगे? चलिए दोनों को, ये तो हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, मैं आपको फ्री भी बता देता हूँ। 20 एनुअल इंस्टॉलमेंट आर इक्वल्स टू 20,000 ईच, एन इक्वल्स टू 20 और एनुअल है एंड आई इक्वल्स टू 0.08 एट द बिगिनिंग है, तो आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे एनुटी का फॉर्मूला प्रेजेंट वैल्यू का, ए इक्वल्स टू एन माइनस वन एन आई, जिसका फॉर्मूला आप अप्लाई करने वाले हैं, आर माइक चल रहा है नहीं चल रहा है, हेलो
जिसका फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं आप, आर इक्वल्स टू ब्रैकेट वन माइनस वन प्लस आई रेज टू पावर माइनस एन माइनस वन अपॉन आई प्लस वन। ठीक है बच्चे, अब सॉल्व करेंगे इसको आप। P इक्वल्स टू R, कितना पे कर रहे हैं आप, 20,000 रुपीज़ हर एक इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं घर का। अगर आप उस घर को कैश में देते तो कितने का पड़ता, 1 माइनस 1.08 रेज टू पावर माइनस 19 प्लस 1 एंड अपॉन 0.08। बस वो कैलकुलेटर का पार्ट, कैलकुलेशन का पार्ट है। अब आपका 20,000 रुपये 1 माइनस 1 अपॉन 1.08 रेज टू पावर 19 अपॉन 0.08 प्लस 1। सॉल्व करेंगे अब देखो 1.08 इंटू इक्वल्स टू 1 माइनस, फिर से देखो 1.08 इंटू एंड इक्वल्स टू पावर 19 है तो कैलकुलेटर पर 20 तक लिखा हुआ है। ठीक है, 1 अपॉन 4.31 अपॉन 0.08 एंड प्लस 1 एंड 20,000 इक्वल्स टू 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4.31। जीरो पॉइंट टू थ्री टू जीरो अपॉन 0.08 प्लस 1। सॉल्व करते हैं, 20,000 इक्वल्स टू 1 माइनस 0.2320 10 इंटू 20,000 आपके पास में आ गया 1,92,000 रुपये का ये घर आपका पड़ता। ठीक है बच्चे, ओहो कितने थे, 20 थे ना, तो 19 पावर यूज करें ना, करो उसको सॉल्व और नोट करो। हेलो, एंड लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, व्हाट इक्वल पेमेंट मेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर फॉर 10 इयर्स, व्हाट इक्वल पेमेंट मेड आर आपने फाइंड करना है। बिगिनिंग है तो एन्युटी ड्यू का कंसेप्ट हो गया, एन इक्वल्स ये 10 ईयर तो टी है, विल पे एट द पीस ऑफ प्रॉपर्टी प्राइस 6 लाख रुपीज़, 6 लाख रुपए उसका क्या है, उसका
कैश प्राइस है इफ मनी इज द वर्थ 5% इफेक्टिवली, ठीक है, एनुअली पेमेंट है, एन इक्वल्स टू क्या हो गया 10 हो गया। अब समझाता हूँ क्वेश्चन क्या है, एन पी इक्वल्स टू 6 लाख रुपीज हो गया, आई इक्वल्स टू 0.05 हो गया। क्वेश्चन ये भैया, 6 लाख रुपए का मेरा घर है, आप मुझसे लेने आते हैं लेकिन बोलते हैं सर किस्तों में पेमेंट करेंगे, तो जाहिर सी बात है मैं उस पर फिर ब्याज भी तो लूंगा, 6 लाख का तो नहीं बेच दूंगा ना। तो वही क्वेश्चन है कि 6 लाख रुपए का मेरा घर है, 5% मैं चाहता हूं कि आपको इस पर ब्याज का भुगतान करना पड़ जाए, और मैं एक बराबर एक इक्वल इंटरवल पर इक्वल आप जो है इंस्टॉलमेंट पे करते चले जाए मुझे, और मुझे 5% इंटरेस्ट भी मिलता चला जाए, तो वो इंस्टॉलमेंट कितनी हो जिससे कि मुझे 5% रिटर्न मिल रहा हो। तो उसका क्वेश्चन का प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, इसका आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू गिवन है, आपको एक इंस्टॉलमेंट फाइंड आउट करना है। तो पी इक्वल्स टू होता है आपके पास में आर ब्रैकेट 1-1 प्लस आई रेस टू पावर माइनस एन माइनस 1 प्लस 1 अपॉन आई। पी इक्वल्स टू आपके पास में बच्चे आर, और सॉल्व करते हैं इसको आप 1-1.05 रेस टू पावर माइनस 9 अपॉन 0.05 प्लस 1 एंड पी इक्वल्स टू आर। पी आपको गिवन है 6 लाख रुपीस, आर ब्रैकेट 1-1 अपॉन 1.05 रेस टू पावर 9 अपॉन 0.05 प्लस 1 6 लाख रुपीस इक्वल्स टू आर 1-1 पॉइंट जीरो फाइव इंटू इक्वल्स टू 1.5513 अपॉन 0.05 एन प्लस 1। सॉल्व करते हैं 6 लाख रुपीस वन माइनस 1.5513 वन माइनस कुछ तो दया गड़बड़ है ना 1.05 इंटू 10 1.55 वन अपॉन 1.5513 1-1 डिवाइडेड बाय 1.5513 0.6446 अपॉन 0.05 प्लस 1 6 लाख रुपीस आर 1-0.6446 डिवाइडेड बाय 0.05 एंड प्लस 1 8.108 एंड आर इक्वल्स टू 6 लाख 8.108 आर इक्वल्स टू 6 लाख डिवाइडेड बाय 7400 74,098 दिस वन। ये इंस्टॉलमेंट आप बांध दो उसके, क्लियर है बच्चे? तो अब मेरे पास पे एन्यूटी
एट द एंड ऑफ द एन्युटी बिगिनिंग ऑफ द एन्युटी, मतलब कि आपके पास में ऑर्डिनरी एन्युटी और एन्युटी ड्यू का मैंने आपको दोनों में ही अमाउंट और प्रेजेंट वैल्यू सिखा दिया है। फॉर्मूला समराइज करके एक पेज पे लिख के दे दूंगा आपको, जिससे कि आपको ईजी रहे रिवाइज करने में।